नवरात्र का देखिए त्योहार चल रहा है, तो लंच टाइम में आज हम आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं आस्था और भक्ति के सफर पर। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन और आज मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है, देश भर के मंदिरों में आस्था का सैलाब किस प्रकार से उमड़ा है वो तस्वीरें आपके सामने। बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्तगण मंदिर का रुख कर रहे हैं, माता रानी की पूजा उपासना की जा रही है। क्या दिल्ली, क्या मुंबई और क्या पश्चिम बंगाल, मंदिरों में रौनक छाई है और भक्तों में उल्लास साफ देखा जा सकता है। दिल्ली के तमाम माता रानी के मंदिरों में भक्तों की मौजूदगी में भव्य और दिव्य आरती की गई। सभी ने माता के दिव्य स्वरूप के आज दर्शन किए, खुशहाली तंदुरुस्ती की कामना की है, माता का आशीर्वाद लिया है। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी उत्सव और उल्लास जैसा ही माहौल दिखाई दिया। सुबह से ही माता रानी के भक्त मंदिर पहुंचे, माँ की उपासना की। पश्चिम बंगाल में नवरात्र की रौनक भी देखते ही बनती है। यहाँ पर दुर्गा माता की भव्य प्रतिमा, आकर्षक पंडाल देश नहीं पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। अलग अलग थीम पर ये पंडाल बनाए जाते हैं, भव्य पंडाल जो कि हमेशा के लिए लोगों का आकर्षण का केंद्र बनते आए हैं। तीन तस्वीरें माता रानी के अलग अलग स्वरूपों को बयान करती हुई और ये दिखाती हुई कि आज माँ के तीसरे स्वरूप की किस प्रकार से पूजा आराधना की जा रही है। सुबह से भक्तगण बड़ी तादाद में मंदिरों का रुख कर रहे हैं और माता से आशीर्वाद और माता से मनोकामना एक ही कि आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो एक एक करके आपको अलग अलग शहरों के अलग अलग मंदिरों में विराजमान माता रानी के दिव्य और भव्य स्वरूप के दर्शन कराते हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मां चंद्रघंटा की पूजा हुई, भक्तों की मौजूदगी में भव्य और दिव्य आरती हुई। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। देवी माँ के माथे पे एक घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है और इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता चंद्रघंटा को देवी दुर्गा का उग्र रूप माना गया है। चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी टिक नहीं पाता। हमें तो महारानी के आगे बहुत 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 विश्वास और बहुत कुछ पाया। यहीं से 26 साल से हम लगातार 9वें दिन 9 नराते आते हैं। बस देवी मैया की असीम कृपा है हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार पर, हमारे बच्चों पर। बहुत आनंद आता है, मन प्रसन्न होता है और अपने आप उठने को दिल करता है। सवेरे अपने आप नींद खुल जाती है, माता रानी बुलाती है। जय माता दी, जय माता दी। और दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। नवरात्र के तीसरे दिन भक्त मां के चंद्रघंटा स्वरूप के दर्शन और पूजा कर रहे हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं। सुबह माता की भव्य और दिव्य आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। सभी ने माता रानी के दर्शन किए और फिर प्रसाद भी ग्रहण किया। नवरात्र के लिए माता के दरबार को भी विशेष तौर पर सजाया गया है। देखिए तस्वीरें। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आरती उतारी गई। सुबह से भक्तों का तांता माता के दर्शनों के लिए लगा हुआ था। सभी ने माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और खुशहाली और तंदुरुस्ती का आशीर्वाद मांगा। असल में ये मंदिर भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और नवरात्र में तो यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। माँ का भव्य दरबार यहाँ सजता है। और देखिए कुछ ऐसा ही नजारा आपको मुंबई का भी दिखा देते हैं। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर के दर्शन कर लीजिए, वहां बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। नवरात्र के लिए विशेष तौर पर माता का भव्य और दिव्य दरबार सजाया गया। मुंबा देवी मंदिर मुंबई की पहचान माना जाता है। इन्हीं देवी के नाम पर इस शहर का नाम मुंबई भी रखा गया। शंख घंटी की ध्वनि के बीच में जब आरती शुरू की गई तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर भी मुंबा देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर शहर जो विंध्यवासिनी का धाम है,
भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति हैं। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। नवरात्र के तीसरे दिन मां की चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जा रही है और मंदिर परिसर में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय है। यूं तो पूरे साल विंध्यवासिनी के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र पर यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। तो अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरें। सूरत के उमिया धाम को भी नवरात्र पर्व पर विशेष तौर पर सजाया गया है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की गई। बड़ी संख्या में भक्त पूजा और आरती के दौरान मौजूद रहे। मंदिर में मां दुर्गा की एक विशाल प्रतिमा है, जिनके चरणों में शीश झुकाकर भक्त आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आप भी लीजिए माता रानी का आशीर्वाद। और अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। वहां के कुपवाड़ा में शारदा मंदिर में 1947 के बाद नवरात्रि की पूजा की गई। ये मंदिर एलओसी के पास स्थित है। इसी साल मार्च में जीर्णोद्धार के बाद मंदिर को फिर से खोला गया था। फिर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिर के गर्भगृह में देवी शारदा की प्रतिमा रखी गई थी। अब शरद नवरात्र में वहां रोजाना पूजा अर्चना हो रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने पहुंच रहे हैं। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे दो खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर से नीतू झा हमारे साथ जुड़ रही हैं और ललित जुड़ रहे हैं पंचकुला के मंदिर से। सबसे पहले तो आज के इस पावन पर्व की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप दोनों पर इसी प्रकार से बनी रहे। नीतू, दिखाइए आज की तस्वीरें। सबसे पहले तो आपको भी नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं और जीएनटी के तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन्हें हम झंडे वाला माता के दर्शन करा देते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि एक बार आप लोगों को भी दर्शन करा दें, क्योंकि आप वहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ हैं अपने दर्शकों को और आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। माता का भव्य श्रृंगार किया गया है। आज सफेद जो पुष्प होते हैं उससे भी माता का श्रृंगार किया जाता है और आपको सामने माता का जो ये रूप है वहाँ पुष्प जरूर नजर आ रहे होंगे सफेद, जिसे माता का श्रृंगार किया गया है। और अगर मैं मंदिर में अभी माहौल की बात करूं तो पूरा मंदिर भक्तिमय हो गया है। एक बार कैमरे की नजर से मंदिर देखते हैं तो आपको जहां भी आपकी नजर जाएगी आदित्य और शगुफ्ता आपको सिर्फ श्रद्धालु नजर आएंगे। खास बात यह है कि झंडेवालान मंदिर में आम दिनों में भी भीड़ होती है और जब नवरात्रों की बात हो तो यहाँ रौनक जो होता है पूरा मंदिर प्रांगण भक्तिमय होता है। यहाँ पर व्रतधारी भी पहुंच रहे हैं, जिनके 9 दिनों के व्रत हैं उनके लिए भंडारे की भी जो व्यवस्था है वो अलग से की गई है। यानी मान लीजिए अगर कोई व्रत में आया है वो भी प्रसाद पा सकता है और जो लोग व्रत में नहीं है उनके लिए भी प्रसाद की व्यवस्था है। चाय की व्यवस्था 24 घंटे की गई है। सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद है। और अगर मैं आपको एक और बार डेकोरेशन दिखा पाऊं तो देखिए कितना ये सुंदर सजाया गया है पूरे मंदिर प्रांगण को। इन पुष्पों की विशेषता ये है कि ये बाहर से मंगाए गए हैं। मंदिर में आपको अलग अलग तरह के अलग अलग रंगों के पुष्प नजर आएंगे। कुछ आर्टिफिशियल हैं और कुछ जो पुष्प हैं वो वाकई में रोज मंगाए जाते हैं और उससे मंदिर का श्रृंगार होता है, उससे माता रानी का श्रृंगार होता है। कीर्तन की व्यवस्था भी 24 घंटे की गई है। यानी कोई भी मंदिर में कभी भी माता के अगर दर्शन करने पहुंचे तो जो उसके कानों तक माता के जो भजन है वो गूंजते रहे और उनका पूरा ध्यान सिर्फ माता की भक्ति पर हो। यहाँ पीछे कुछ श्रद्धालु हैं, कहाँ से आई? अशोक भैया दिल्ली से। मैया को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं? माँ है अपनी तो माँ को प्रसन्न करना किया जाता है। माता कहते हैं झंडेवालान माता से जो मांगा जाए वो पूरा बिल्कुल मिलता है, 100% मिलता है। आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी हुई? सभी पूरी हुई है। माता से तो जो मांगा जाए वो सब पूरा होता है। यहाँ पर मंदिर की खास बात ये भी आदित्य और शगुफ्ता की यहाँ पर
भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अभी जब हमने प्रशासन से भी बात की थी तो उन्होंने बताया कि रोजाना 80,000 से 1,00,000 लोग मंदिर अभी पहुंच रहे हैं। आज तीसरा दिन है, इसलिए यहाँ पर 7 एंट्रेंस बनाए गए हैं जिससे किसी भी तरह से भगदड़ ना मचे। देखिए वो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, वो भी एक एंट्रेंस है। इसी तरह के 7 कॉरिडोर जहाँ से आप मंदिर में प्रवेश ले सकते हैं, किसी भी तरह की भगदड़ ना मचे और किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए वॉलेंटियर्स तैनात किए गए हैं। 2500 वॉलेंटियर्स, जिसमें से 300 महिलाएं वॉलेंटियर्स हैं। कहाँ? दिल्ली से हैं। क्या मांगेंगी आज माता से? माता तो सब बस कृपा करें, माता कृपा करें, और क्या मांगे माता? और कृपा करें माता, दया करें माता भक्तों के पास। देखिए यही भाव श्रद्धालुओं का, यही भाव माँ के भक्तों का कि माता से कुछ मांगना नहीं है, जो आप अपने मन में सोच कर आते हैं माता रानी वो पूरा कर देती है। भगवान सबकी मुरादें पूरी करे। आप क्या मुराद लेके आए? मैं अपनी ये मुराद लेके आया हूँ कि खुशियाँ झोली भरे और कृपा करें। कहते हैं झंडे वाला माता से जो सच्चे मन से मांगते हैं वो मुराद पूरी होती है। सच बात है। आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई? बिल्कुल, मेरी भी हुई है, जो मांग के गए थे वही। मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं यही दुआ करूँगा कि भगवान सबको खुशियाँ दे और सबकी मनोकामना पूरी करे। माने झोली भरी है, चेहरे के जो भाव है यही सब कुछ कह देते हैं। शायद शब्द कम पड़ जाए लेकिन जो चेहरा होता है वो ये बता देता है कि माता की जो पूजा आराधना करते हैं माँ उनकी वाकई में झोली भर देती हैं खुशियों से। और ये जो सिलसिला है अदिति, ये अभी थमने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये तो 9 दिनों तक अभी मंदिर यूं ही चलता रहेगा। पहली बार आ रहे हैं, कुछ सालों से आ रहे हैं और सभी की मुराद माँ पूरी करती है। ललिता आप चंडीगढ़ में इस वक्त कहाँ पे मौजूद है और सुबह से कैसा नजारा है मंदिर का? बिल्कुल अदिति, सबसे पहले तो मैं जेएनटी के तमाम दर्शकों को शरद जो नवरात्रे हैं तीसरे नवरात्रे की बहुत बधाई देता हूँ। एक बार उन दर्शकों को माता के दर्शन करवा देते हैं जो अभी अभी जेएनटी के दर्शकों के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूं कि बहुत ही भव्य तरीके से माता मनसा देवी को तैयार किया गया है, उन्हें सजाया गया है। उसके साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि किस तरह का जोश यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो भक्त है बड़ी दूर दूर से यहाँ पर माता के दर पर है वो पहुंच रहे हैं। और खास तौर पर अगर इस मंदिर की बात करें तो ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। 51 जो शक्ति पीठ है पूरे देश में उसमें से एक मंदिर है, लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर है। और इस जो मंदिर का निर्माण है 1811 से 1815 के बीच है वो करवाया गया था। कोई भी मनोकामना हो भक्त की, तमाम जो मनोकामना है वो यहाँ पर पूरी होती है, जो भी सच्चे मन और श्रद्धा के साथ यहाँ पर पहुँचता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें लगी हैं, यानी कि माता मनसा देवी की भक्ति ही है जो तमाम भक्तों को अपनी तरफ है वो खींचती है और जिससे तमाम मनोकामना है लोगों की पूरी होती है। आप जयकारे इस वक्त सुन पा रहे होंगे, तो यानी तमाम जो भक्त है वो भक्ति में सराबोर है। कुछ भक्तों से बात कर लेते हैं, आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं और माता मनसा? रोज ही आते हैं सर। अच्छा, भंडारे पे सेवा भी देते हैं, रोज ही आते। माता मनसा देवी आपकी मनोकामना पूरी करती है? बिल्कुल पूरी करती है। ठीक है, लोग हैं शुभोत्तम से भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ से। अच्छा, कितनी आस्था है भगवान में? पूरी आस्था है। अच्छा, सारी मनोकामना पूरी होती है? हाँ जी प्रभु जी, होती है। आप कहाँ से आए हैं? हम बठिंडा से आए हैं। बठिंडा से आए, बड़ी दूर से आए हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ आते हैं शादी के बाद, अब दूसरी बार आते हैं। हाँ जी, आस्था है। चलिए लौटती हूँ ललिता आपके पास, और नीतू आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। और मुंबई लौटती हूँ आप दोनों के पास, मुंबई के मशहूर मुंबा देवी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रौनक छाई हुई है, सुबह से ही श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कैसा है उत्सव और उल्लास बता रहे हैं मेरे सहयोगी पारस लामा। नवरात्रि के पावन पर्व का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी देश के अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग पूजा पंडालों में माता की भक्ति के लिए लोग सैकड़ों की और लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। हर साल
मुंबई में भी नवरात्र पर लोगों की भारी संख्या देखने मिलती है। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और ये माना जाता है कि माँ से जो भी मांगा जाए वो सारी मुरादें माँ पूरी करती हैं उनकी आराधना करने के बाद। मुंबई में हर साल लोग माँ मुंबा देवी मंदिर पहुँचते हैं और लाखों की संख्या में भावुक यहाँ पहुँचते हैं। माँ मुंबा देवी के लिए ये भी माना जाता है कि यहाँ पर आप माँ मुंबा देवी की आराधना करते हैं, उनकी दिल से पूजा करते हैं, तो सारी मन्नतें और सारे कष्ट जो हैं माँ मुंबा देवी आपके हर लेती हैं। मुंबई का माँ मुंबा देवी मंदिर 400 वर्ष पुराना है और यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। माता का जयकारा लगातार आपके कानों में गूंजता रहेगा। वहीं आरती से पहले माँ मुंबा देवी की पूजा की जाती है, वहीं उनको श्रृंगार किया जाता है। मंदिर की सजावट देखिए, ये सारे जो फूल हैं वो हर रोज बदले जाते हैं और माँ की आराधना की जाती है। लोगों की कतारें यहाँ पर बढ़ती ही रहती हैं। आप सुबह आइए, शाम को आइए या फिर रात को आइए, यहाँ पर माँ मुंबा देवी को मानने वाले हजारों लोग हैं। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मुंबई पुलिस और सिक्योरिटी की भी यहाँ पर तैनाती होती है, क्योंकि भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा होती है और उसी वजह से लोगों की सुरक्षा के लिए, मंदिर में जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस और उनकी लोकल सिक्योरिटी काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और भावुक और श्रद्धालु यहां लाखों की संख्या में आज भी पहुंच रहे हैं। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। और हिमाचल के नैना देवी मंदिर में नवरात्र के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त माँ के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी दूर दूर से लोग इस दिव्य मंदिर में दर्शनों के लिए आ रहे हैं। बारिश और तूफान के बावजूद मंदिर में भक्तों की भीड़ है। नवरात्र में माँ के दरबार में उमड़ा है आस्था का सैलाब। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मशहूर शक्तिपीठ श्री नैना देवी के मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मौसम की बेरुखी भी इन भक्तों के जोश को कम नहीं कर पा रही है। तेज बारिश, आंधी और धुंध के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आज सुबह से ही काफी जोर से बारिश हो रही थी। इतनी बारिश होने के बाद भी लोग काफी तादाद में यहाँ पे माता जी के दरबार में माथा टेकने आए। आज खूब बारिश हुई, श्रद्धालु माता के दर्शनों के आते रहे, भारी बरसात में भी माता के दर्शन करते रहे और माता जी से अपनी मनोकामना पूरी करते रहे। नवरात्र के पावन पर्व में माँ के दर्शन के साथ लोग अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस प्रसिद्ध मंदिर में हिमाचल के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार से श्रद्धालु नवरात्र में माँ के दर्शन के लिए आते हैं। पूजा अर्चना के बाद यहाँ प्राचीन हवन कुंड में आहुतियाँ डालने की परंपरा भी है। इस मंदिर के साथ श्रद्धालुओं की अनंत आस्था जुड़ी है। माना जाता है कि माँ के दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और नवरात्र के पावन पर्व में तो माँ का दर्शन अत्यंत फलदायी होता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से मुकेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, नवरात्र का चूंकि दिन है, नवरात्र के दौरान कहा जाता है कि माँ की पूरे मन और तन से अगर आप श्रद्धा भावना के साथ, भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना करते हैं, आपकी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतू, मुझे ये बताइए कि चूंकि आप तस्वीरें तो दिखाई रही हैं कि वहां पे भक्तगण पहुंचे हैं बड़ी तादाद में, किसी प्रकार की आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है आज के दिन? कुछ मांगा माता रानी से? देखिए, मैंने तो ये मांगा कि मैं आप लोगों को अपने जरिए माता रानी के दर्शन करवा दूं और वो मैं सुबह से करवा रही हूं। लेकिन यहां पर इससे पहले हम एक दूसरे मंदिर में मौजूद थे और अब हम यहां झंडे वालान पहुंचे। देखिए शगुफ्ता, श्रद्धालुओं के मन में माता को लेकर गहरी आस्था होती है। कई तो ऐसे श्रद्धालु भी हमने देखे हैं जो कई सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से लगातार रोजाना मंदिर आते हैं और नवरात्रों में तो कहते हैं मैया के सारे दरबार खुले होते हैं। इसलिए आज सुबह से ही जब हम मंदिर पहुंचे हैं तो हम देख रहे हैं 4 बजे पहली आरती हुई और तब से जो भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है वो शायद अभी थमने वाला नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि देखिए, पीछे मेरे आपको कतार नजर आएंगी और सामने ये कतारबद्ध तरीके से भक्तों को माता का दर्शन करवाया जा रहा है। झंडेवालान मंदिर की अब खासियत ये भी है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पहुंचते हैं
उन्हें प्रसाद जरूर दिया जाता है। हालांकि अब मंदिर में आप प्रसाद चढ़ा नहीं सकते, कोरोना के बाद नियमों में बदलाव कर दिया गया, लेकिन जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें जरूर मैया रानी का जो ये प्रसाद होता है वो दिया जाता है। और मनोकामना मैं आपको कहूंगी कि आप सामने माता के दीदार करिए और जो आपके मन में है अब वो मांग लीजिए, क्योंकि कहते हैं झंडे वाला माता से जो सच्चे मन से मांगा जाता है वो जरूर पूरा होता है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर आम दिनों में भी श्रद्धालुओं का हुजूम पहुँचता है। और अष्टमी नवमी को लेकर तो मंदिर प्रशासन का कहना है कि लगभग 2-2.5 लाख लोग उस दिन यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि अष्टमी नवमी वाले दिन बड़ा उत्सव होता है। हालांकि आज वीकडे है, दिल्ली में मौसम भी सुहाना है, शायद यही वजह है कि आज सुबह से यहाँ पर भक्तों का जनसैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है और जो श्रद्धालु हैं वो माता को प्रसन्न करने पहुंच रहे हैं जगह जगह से। कुछ लोग आस पड़ोस में भी रहते हैं जो रोजाना भी आते हैं, लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो दूर से आए हैं, वक्त निकाल कर पहुंचे हैं कि माता के दर्शन करें और माता को प्रसन्न करें और जो मनोकामनाएं हैं उनकी उसे जरूर माता पूरा करे, क्योंकि माता मन की बातें समझ लेती हैं। शब्द नीतू आप बिल्कुल ठीक कह रही है, माता मन की बातें समझ लेती हैं। और झंडे वाला मंदिर दिल्ली का तो सबसे महान मंदिर माना गया है, यहाँ की मान्यता बेहद खास मानी जाती है। जो भक्त मन में मुरादे लेके आते हैं कहते हैं कि उनकी पूरी होती है, लेकिन पहले दिन और आखिरी दिन नवरात्रों के सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। लेकिन इस बार देखा जा रहा है मंदिरों में दूसरे दिन आज तीसरे दिन भी बेहद भीड़ है। ये बताइए दिन का कौन सा समय सबसे ज्यादा व्यस्त समय होता है? देखिए अगर आप व्यस्त समय की बात करें तो यहाँ दो बार आरती होती है, एक सुबह 4 बजे और एक बार 7 बजे। ये समय ऐसा होता है जब ज्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि माता की आरती देखने भजन सुनने जरूर आते हैं। लेकिन अदिति इस बार तो हम जो देख रहे हैं वो हमने भी पहले नहीं देखा, क्योंकि आज वीकडे है, मंगलवार का ये दिन, और अभी दिन के 12 से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन आज भी यहाँ पर श्रद्धालु ठीक वैसे ही पहुंच रहे हैं कि मंजर सुबह का ही हो, यानी अक्सर हम झंडेवालान में ये तस्वीरें सुबह 6-7 बजे देखते हैं, 9 बजे तक देखते हैं, जब लोग दफ्तर जाने से पहले माता के दर्शन करके अपने दफ्तर या अपने वर्क प्लेस चले जाते हैं। लेकिन आज दिन में भी आपको श्रद्धालु यहाँ नजर आएंगे। खास बात यह है कि हर उम्र के लोग हैं यहाँ पर, आपको यंग लोग दिखेंगे, छोटे बच्चे दिखेंगे, बुजुर्ग लोग भी पहुंचे हैं मंदिर में। अगर कोई विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, एक कॉरिडोर बनाया है कि कोई व्हीलचेयर लेके अपने आ सके। तो यहाँ पर मंदिर में इस बार मैं भी ये देख रही हूँ और आप लोग भी मेरे कैमरे के जरिए देख रहे होंगे कि हुजूम जो है श्रद्धालुओं का वो सुबह से ठीक इसी तरह बना हुआ है। एक और चीज जो आपको पता होगी अगर आप झंडे वाला नहीं होगी कि यहाँ का प्रसाद भी बेहद खास होता है। अभी जब हम मंदिर में एंट्री ले रहे थे तो जितने श्रद्धालु मंदिर में एंट्री लेते हैं उनके लिए चाय और बिस्किट रस्क और इन सब की भी व्यवस्था की गई है। यानी आप मंदिर आ रहे हैं, अलग अलग तरह के व्यंजन भी हैं, जैसे कभी फ्रेंच फ्राइज है उनके लिए, आज रस्क है, कभी बिस्किट है, चाय है, कॉफी है, यानी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं भी है। और भंडारे की भी व्यवस्था है, दो दो तरह के भंडारे हैं, चाहे वो व्रत वाला भंडारा हो और जिन्होंने व्रत जी चलिए भक्तगणों के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं मंदिरों में ताकि किसी प्रकार की दिक्कत उनको ना हो। ललित का रुख कर लेते हैं। ललित जहां पर आप मौजूद हैं इस मंदिर में भी क्या व्रतधारियों के लिए अलग से, क्योंकि जिन्होंने आज फास्ट रखा है, जिन्होंने 9 दिन का व्रत किया है उनके लिए किसी प्रकार का प्रसादम का वो इंतजाम किया गया है मंदिर में? बिल्कुल शुगुप्ता, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं जो नवरात्रों में पहुंचते हैं ज़्यादातर लोगों के जो व्रत है वो होते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था है मंदिर में की गई है। लेकिन शुगुप्ता सबसे खास बात अगर मैं बताऊं आपको तो जिस तरह से मौसम में बदलाव आया था, कल आपने देखा था कि फिर भी श्रद्धालु है कम थे, लेकिन आज जैसे मौसम थोड़ा सा खुला है, आज हल्की धूप खिली है, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि वर्किंग डे में यहाँ पर लंबी कतारें हैं वो श्रद्धालुओं के लगी हैं। एक बार मैं कैमरे के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, दिन का समय है, लोग हैं वो दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, माता के दर पर पहुंच रहे हैं, और जो भी मनोकामना तमाम भक्तों ने मांग रखी है उन तमाम मांगों के लिए, तमाम जो भी मुराद है उनको पूरी करने के लिए है यहाँ पर नतमस्तक है बोल रहे हैं।
बहुत ही पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, 200 साल पुराना ये मंदिर है, 51 शक्ति पीठों में से एक है। और जो महाराजा मनी माजरा के थे संसार सिंह, उन्होंने इसका निर्माण है 1811 और 1815 के बीच है वो करवाया था। मान्यता ये भी है, कथा ये भी है कि जो माता सती है उनका यहाँ पर मस्तिष्क गिरा था, जिसके बाद इस मंदिर का निर्माण है वो किया गया था। ना सिर्फ चंडीगढ़ के, बल्कि अगर हम बात करें उत्तर भारत में, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, तमाम जो श्रद्धालु है वो माता के दर पर है वो पहुंचते हैं। लाखों की संख्या में इन नवरात्रों में है जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। पूरी व्यवस्था है वो मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा की जाती है। सुबह 4 बजे है वो आरती होती है, उसके बाद 7 बजे है फिर एक आरती होती है, फिर 11 बजे है वो भोग चढ़ाया जाता है, और उसके बाद शाम को 4 बजे भोग लगाने के बाद शाम को 7 बजे फिर एक भव्य आरती है वो की जाती है। तो भव्य आरती को देखने के लिए खास तौर पर खूब रश है इस प्रांगण में होता है। और अगर हम व्यवस्था की बात करें तो तमाम तरह की व्यवस्था है वो यहाँ पर कर रखी होती है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर में लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला का आयोजन हो रहा है। इस रामलीला में टीवी और फिल्म जगत के नामी कलाकार अभिनय करने पहुंचे। टीवी और बड़े पर्दे पे दिखने वाले कलाकारों को मंच पे देखकर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े कलाकारों की अदाकारी देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं और इस रामलीला को देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। दिल्ली की ये फेमस लव कुश रामलीला है जहां पर बड़े बड़े एक्टर्स किरदारों में नजर आएंगे आपको। मैं यही कहूंगा कि भाई मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे इस रामलीला में, धार्मिक रामलीला जो 100 वर्ष पुरानी रामलीला है, उसमें करने का अवसर मिला। और मेरे भाई विंदु जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं, ये हनुमान जी का रोल जैसा करते हैं वैसे ही प्लेज इनके देखोगे तो वैसे ही एक्टिंग करते हैं। इन टोटल ऑलराउंड एक्टर है, वन ऑफ फाइनेस्ट एक्टर्स आई वर्क्ड विद। देखिए नवरात्र का पर्व चल रहा है, कई राज्यों में रामलीला हो रही है तो कहीं जगह पर गरबा और डांडिया नाइट्स की भी धूम मची है। मुंबई में इन दिनों जमकर गरबा खेला जा रहा है। वहां एक कार्यक्रम में गुजराती लोक कलाकार गीता रबारी भी शामिल हुई, जिनके गीतों पर मुंबई के लोग थिरकने को मजबूर हो गए। वहीं बात करें सूरत की तो यहां पर पारंपरिक ड्रेस पहनकर गरबा भी किया जा रहा है। डांडिया खेलने वालों की भी अच्छी खासी तादाद आपको इन तस्वीरों में नजर आ जाएगी। देखिए तस्वीरें। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने भी गरबा आयोजन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ जमकर गरबा खेला। गरबा खेल रही महिलाएं अपनी सांसद को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आई। देखिए एक तरफ गरबा की धूम है तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। उत्तर 24 परगना में एक विशेष तरह का पूजा पंडाल बनाया गया है। दुर्गा माँ को अर्पित है ये पंडाल। वहां पेरिस के मशहूर ओपेरा हाउस की तरह दिखने वाला पंडाल तैयार किया गया है। देखने में ये हूबहू आपको ओपेरा हाउस की तरह दिखाई देगा। अंदर अलग अलग तरह की फाइबर और मिट्टी से बनी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, पंडाल समिति ने यह भी कहा कि पंडाल में विराजमान दुर्गा प्रतिमा भी पेरिस की थीम पर ही बनाई गई है। रुक करते हैं नीतू का जो हमारे साथ झंडे वाला मंदिर से बनी है और ललित का जो हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हैं। ललित, तो आप हमें बता रहे थे कि मनसा देवी मंदिर जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां की मान्यता है कि वहां पर जो भी भक्त पहुंचते हैं उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। नवरात्रों में वहां पर भक्तों का तांता नजर आता है, लेकिन बताइए इस बार के नवरात्रि किस तरह से खास है,
क्या भक्तों का हुजूम ज्यादा है, बड़ा है, या फिर आम दिनों में जैसे आज नवरात्रि का तीसरा दिन है तो भीड़ कुछ कम हुई है? अदिति देखिए, अगर माता मनसा देवी की बात करें तो बहुत पुराना ये मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है और श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा श्रद्धा है इस मंदिर के साथ जुड़ी है। साथ साथ मैं आपको माता मनसा देवी के दर्शन भी करा देता हूँ जो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी जीएनटी के साथ जुड़े हैं। जिस तरह से आपने पूछा कि क्या जो रश है यहाँ पर, अगर मैं रश की बात करूँ तो शरद नवरात्रों में जो रश है वो बढ़ जाता है और आम दिनों से कई गुना है, लोग है वो माता के दर पर है दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा गया था उसके बाद कल जरूर थोड़ा रश है वो कम हुआ था, लेकिन आज जैसे ही मौसम थोड़ा खुला है उसके बाद से एक बार फिर से जो श्रद्धालु है वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अदिति अगर मैं बात करूँ इस मंदिर की, इतिहास की, इस मंदिर के मान्यता की, तो आपको बता दें कि करीबन 1811 से लेकर 1815 के बीच है इस मंदिर का निर्माण है, जो मनी माजरा के महाराजा है संसार सिंह है उनके द्वारा करवाया गया था और उन्हें है एक सपना आया था जिसके बाद उन्होंने अपने महल से लेकर इस मंदिर तक एक गुफा का निर्माण कराया था। तो इस तरह की कथा है वो इस मंदिर के लिए है, वो काफी चलती है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जो माता सती है उनका मस्तिष्क है वो गिरा था जिसके बाद महाराजा संसार सिंह ने इस मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। बड़ी दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचते हैं और खास तौर पर जब शरद नवरात्रे होते हैं तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का भीड़ है, श्रद्धालुओं का रश है वो बढ़ जाता है। खास तौर पर अष्टमी और नवमी के दिन है यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु है माता मनसा देवी के दर पर पहुँचते हैं। भंडारे का आयोजन है, मनसा देवी जो श्राइन बोर्ड है उनके द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए अलग अलग जो गेट्स है वो बनाए गए हैं जिससे आसानी से जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर सके। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सुरक्षा की तो तमाम तरह से जो पंचकुला पुलिस है यानी हरियाणा सरकार के अंडर ये मंदिर आता है तो तमाम तरह की व्यवस्था है वो यहाँ पर। चलिए, तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। ललित, जरा नीतू का रुख कर लेते हैं, झंडे वालान मंदिर में मौजूद है नीतू। नीतू देखिए, कहते हैं ना कि झंडे वालान मंदिर में जिस भी भक्त ने आज पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया उसके तमाम कष्टों का निवारण बहुत ही आसानी से माता रानी कर देती है। मुझे बताइए आज का शाम का कार्यक्रम कैसे रहने वाला है, क्योंकि सुबह चूंकि अलग प्रकार की आरती की जाती है, अब माता रानी का दिन है तो पूरा दिन ही भक्तगण पहुंचते हैं, तो शाम को किस प्रकार की व्यवस्था और शाम का कार्यक्रम किस प्रकार से रहने वाला है वो बता दीजिए जरा। देखिए, अभी सुबह 4 बजे की आरती हो गई है, दूसरी आरती जो है वो शाम 7 बजे होने वाली है। भजन कीर्तन जो मैंने आपसे कहा था वो तो 24 घंटे चलेगा। एक बार कैमरे के जरिए दिखाती हूँ, जो भजन करने वालों की टोली थी शगुफ्ता, देखिए वो भी बदल गई है। यहाँ पर स्लॉट है जिसमें आकर जो गायक हैं वो भजन कीर्तन कर रहे हैं। अब जो ये स्लॉट है ये बदल गया है। ऐसे ही दिन भर अलग अलग जो भजन गाने वाले गायक है वो यहाँ पहुँचेंगे, वो भजन कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही एक बार माँ को भोग लगेगा, शाम में जब माता की आरती की जाएगी। वही खास बात ये है, झंडेवालान मंदिर के अंदर ही जो महिलाएं पहुंचती हैं उनके लिए मेहंदी लगाने की व्यवस्था की गई है। अगर हो पाए तो मैं इसके बाद हमारे दर्शकों के लिए वो भी लेकर आऊंगी। यहाँ पर निःशुल्क महिलाओं को मेहंदी लगाई जाती है। जो भी महिला श्रद्धालु मंदिर आती है वो यहाँ पर निःशुल्क मेहंदी लगवा सकती है। तो फिलहाल जो कार्यक्रम है वो यही है कि अभी जो ये भजन कीर्तन है ये चलते रहने वाला है। माता की शाम 7 बजे एक बार आरती की जाएगी, भोग लगाया जाएगा और दिन भर माँ के कपाट जो है वो उनके श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे, क्योंकि आम दिनों में तो मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, लेकिन अभी नवरात्रि चल रहे हैं ऐसे में माता के जो कपाट हैं वो खुले रहने वाले हैं, जिससे श्रद्धालु कभी भी पहुँच कर माता के दर्शन कर सके, माता से मनोकामना जो है उनके मन की उसको पूरा करने की विनती कर सके। तो नीतू और ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए।